भाई ये मंकी ने अटैक कर दिया, ये देंगे, ये जो है ना चप्पल छोड़ के जो है ना एक बंदा भाग गया सारे भाग गए। वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ बिहाइंड द सीन चैनल, जो कि हमारा सफर चल रहा है। तो ये सीन है भाई, अभी अभी बजे में उठा हूँ, हाथ धोया और इसके बाद फिर भूख लग रही है, बच्चे भी उठ गए क्योंकि बच्चे तो जल्दी सो गए थे ना, तो हमारे साथ ही उठ गए, तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। और बाकी ये कि बाहर बहुत ज़्यादा खतरनाक धूप है, तो अंदर चिल्ड माहौल है, 16 पे एसी चलाया हुआ है। बाहर का सीन आपको दिखाते हैं, ये चेक करें, ये व्यू तो बड़ा प्यारा है लेकिन जो है ना धूप बड़ी टाइट है, सही है, बहुत खतरनाक पड़ी, यहाँ से मुझे तपिश फील हो रही है इसकी। तो हमने सोचा कि बस अब नाश्ता मंगाते हैं, ठीक है, और नाश्ते में क्या ऑप्शन है हमारे पास, नाश्ते में ऑप्शन है भाई जान, ये ब्रेकफास्ट आलू भुजिया और चना मंगा लूँ, और लच्छा पराठा, चाय और आलू भुजिया और चना, ठीक है, डन, ओके, मंगवा लेते हैं भाई, भी कॉल करते हैं। सलाम वालेकुम, नाश्ता आ गया, सही है, आ जाइए भाई। ये नाश्ता है, चने का सालन है, आलू की भुजिया है और लच्छा वाला पराठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला निवाला चने के साथ, आय हाय 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 हाय, कराची का नाश्ता याद आ रहा है मुझे तो। अब देखते हैं क्या सीन है, क्या टेस्ट है इसका, आराम से फ्रेश फ्रेश होंगे, नहाएंगे, फिर देखते हैं कहीं निकलना है या क्या सीन है। पराठे को अगर रेट करें हम तो खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं 10 में से 5 रेट करूंगा क्योंकि पराठा बहुत मोटा है, ठीक है। पराठा अगर इसके साथ जो है ना अच्छा होता तो चने का सालन जो है वो मज़ा करता है। हाँ भाई, तो अब मैं रेडी हो गया और बच्चे और वाइफ पहले ही रेडी हो गए थे, तो अब हम जो है ना निकल रहे हैं ज़रा आगे चक्कर लगाने के लिए, देखते हैं आगे पीछे कुछ, ज़रा चक्कर वक्कर लगा के आते हैं, थोड़ा सा बोर हो गए थे और गर्मी बहुत टाइट है, पूरे सफ़र के अंदर जो है ना गर्मी का बड़ा खतरनाक हाल है, अल्लाह पाकिस्तानी के लिए, गाड़ी के अंदर पता नहीं चलता लेकिन वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रात में आप लोगों को बताऊँ एक बड़ा मज़े का सीन हो गया, जैसे कि आपने कल की वीडियो के अंदर देखा कि वो बड़ी सी मकड़ी जो है ना वो रूम में आ गई थी। अच्छा, जब हम लोग सुबह उठे ना तो मुझे वाइफ बोलती है कि मुस्तफ़ा रात को जो है ना मकड़ी आई थी मेरे मुंह पे चल रही थी, तो मैं उठ गई और मैंने उसको हटाया तो भाग गई। देखो तुम्हारे पीछे पीछे ऐसा ना हो कहीं कराची आ जाए, कल रूम से निकाला था ना तुमने इसको, तो भाई आ गई थी। और अच्छा हुआ कुछ, मतलब देखें इसके अंदर अलग अलग नस्लें होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये हर बड़ी मकड़ी जो है वो जहरीली हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ नस्लें इस तरह की होती हूँ। आइए भाई देखें, हॉर्स राइडिंग का भी सीन है, आप अब्दुल कबीर को कराएंगे, अब्दुल कबीर बैठना है आपको हॉर्स पे, ओके बैठाऊंगा मैं आपको, अभी हम जरा घूम फिर के आते हैं, थोड़ा सा चक्कर वक्कर लगा के आते हैं। तो अब जो बाहर खाने का सीन अगर है तो मरी के पास मेरे ख्याल से तो सिर्फ एक मैकडॉनल्ड्स है जिसके अंदर जो है ना आप एक मतलब जो है वो मुनासिब टेस्ट के अंदर आपको जो है खाना मिल जाएगा, अदरवाइज और जो इस तरह लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं ना इसके ऊपर ज़्यादा कोई अच्छा टेस्ट वाला खाना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर ज़्यादातर जो है ना वो खाने का टेस्ट और समटाइम्स फ्रेश भी नहीं होता। ये देखें भाई, रास्ता भी बड़ा जो है ना मज़ेदार है ना, कि देखें रोड पे से फिर चढ़ाई वाला रास्ता है, फिर आप ऊपर चढ़ रहे हैं और हम सामने की साइड पे नहीं जा रहे, हम आगे मैकडॉनल्ड्स की तरफ जाते हैं, मतलब मज़ीद ऊपर चढ़ाई की तरफ जाते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि यार फैमिली के साथ हैं, पीछे प्राइवेसी वगैरह, तो जापानी गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं उसके अंदर ज़्यादातर पीछे के जो शीशे हैं ना वो टिंटेड होते हैं, वो जो बिल्ट इन जो है ना इसके शीशे ब्लैक होते हैं, तो मोर देन 80% ये ब्लैक हैं और बाहर से अंदर का जो है वो इसमें क्लियर नहीं नज़र आता, तो इसके लिए जो है वो पीछे का कम्प्लीटली प्राइवेसी का सेटअप होता है। और मैं फ्रंट सीट पर रात को जब भी रुक रहा था मोटरवे पर तो वो इसीलिए सो रहा था क्योंकि जो है वो आगे के शीशे टिंटेड नहीं होते, तो आगे जो है वो मैं आराम से सोता था, पीछे फैमिली होती है तो इसके अंदर जो है वो कोई ऐसा मसला नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि गाड़ी बड़ी मस्त है और लंबे ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी है, हाँ अलबत्त इंजन की पावर जो है वो थोड़ी सी कम है जिसकी वजह से जो है आपकी स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बट बेटर लेट देन सॉरी, आप इस गाड़ी के अंदर आराम से निकल सकते हैं अगर आपने अच्छे से मेंटेन की हुई है और अच्छे से ख्याल रखते हैं, आप इसकी प्रॉपर सर्विस ट्यूनिंग वगैरह करवाते रहते हैं, तो आँखें बंद करके आप निकलें अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह अल्लाह पाकिस्तानी का मामला करेगा। अब आप देखिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड पर जो मंजर है, आ हा क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह, गाड़ी बस एहतियात से चलाएं, बाकी आप लेफ्ट साइड पे मंजर देखते रहें और आप बहुत एंजॉय करेंगे। ये देखें स्ट्रेट चले जाएंगे तो मुजफ्फराबाद का रास्ता है और ये मैकडॉनल्ड्स आता है, यहाँ से लेफ्ट पे मरी है, ठीक। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि रात को आप क्या गाड़ी ऑन रख के सोते हैं, जाहिर है ऑन रखनी पड़ती है क्योंकि ऑफ रख के इतनी गर्मी के अंदर नहीं सोया जा सकता, हाँ अलबत्ता ये है कि एसी चला के सोते हैं और ये जो शीशे है ना ये थोड़े थोड़े नीचे किए होते हैं, ज्यादा नीचे नहीं क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन थोड़े थोड़े नीचे किए होते हैं सारे शीशे, क्योंकि अल्लाह ना करेगा कभी गाड़ी बंद हो जाए तो वो जो कहते हैं ना लोग कि गैस वाला जो मामला हो जाता है तो वो ना हो, तो इसीलिए जो है वो हम इसको शीशे नीचे करके एसी ऑन करके सोते हैं इस तरीके से। भाई बेगम को लेके जा रहे थे नथिया गली, हमने सोचा कि चलें हमने तो यहाँ पे स्टे कर लिया लेकिन नथिया गली दिखाते हैं, लेकिन कारपेटिंग हो रही है आगे और ये देखें मेरे पीछे आपको गाड़ियों की क्यों नजर आ रही होगी, तो नथिया गली का रास्ता बंद किया हुआ है।
भाई अब हम आ गए हैं मैकडॉनल्ड्स पे, रुके हैं रश, लेकिन बहुत वीआईपी लगा हुआ है। बाहर तो बैठने जैसा नहीं, गर्मी की वजह से अंदर अगर जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये आ गए भाई, ऑर्डर की जो है ना लाइन वगैरह में लगने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, वो सेल्फ काउंटर बने हुए थे उसी के अंदर ऑर्डर दिया, पेमेंट की और ग्रैंड चिकन स्पाइसी ले लिया। 5-10 मिनट में आ जाएगा, जब तक अब्दुल कबीर को प्ले एरिया में लेके आ गए। ये प्ले एरिया बना हुआ है यहाँ पे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। ये हाँ यहाँ से निकल के वापस जाओ, वेरी गुड भाई। ये आ गया खाना हमारा, सही है। इसमें 2 ग्रैंड चिकन स्पाइसी है और अब्दुल कबीर के लिए जो है ना हैप्पी मील है, ठीक है। अब्दुल कबीर की हैप्पी मील खोलेंगे हम पहले। अब्दुल कबीर की हैप्पी मील का नाम क्या है? ओहो, टॉय है ये, देखो भाई टॉय निकला है इसके अंदर से, ठीक है। और अब्दुल कबीर का फ्रेंच फ्राइज निकले हैं और अब्दुल कबीर का बर्गर है, ये देखो आपका बर्गर आ गया छोटा सा, आप छोटे हो ना। वाइफ ने स्ट्रॉबेरी शेक मंगवाया, ठीक है। और ये है भाई ग्रैंड चिकन स्पाइसी, ठीक है ना। ग्रैंड चिकन स्पाइसी एक बार हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो हमने खाया था आमिर और मैंने, ये देखो ये अच्छा है। और आज हमारा लंच अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम खाते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये आ गया भाई पहला निवाला इसका, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ बेटा लगा के खाओ, जो मैक चिकन स्पाइसी है ना, ग्रैंड चिकन स्पाइसी, वो अच्छा है। आपको तो हमें वैसे ही स्पाइसी खाना पसंद है और हमें स्पाइसी किसी भी चीज़ के अंदर मिल जाता चल जाता बेहतरीन हो जाता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चों को लेकिन जो है ना संभालते हुए खाना खाने की बहुत बड़ी बात होती है, तो वीडियो बनाना तो और मुश्किल काम है, तो अब आराम से ज़रा निपटाते हैं, ठीक है। स्पाइसी बर्गर है, इन्जॉय करते हैं। आप लोग खाएँगे तो खाएँगे, चलिए आपका भाई खा रहा है समझ लें, आप खा रहे हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं खाना वाना खाने के बाद। भाई इन लोगों को गाड़ी में बैठा लिया और यहाँ पे जो है वो जानमाज़ बिछा हुआ है, तो मैं सोचा यहीं पे नमाज़ पढ़ के फिर आगे निकलते हैं। यार हमने खाना भी खा लिया, नमाज़ भी पढ़ ली और सोचा कि 2 बजे कारपेटिंग उन्होंने बोला था 2 बजे रोड खुल जाएगा नथिया गली के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं खुला है। वरना मेरा इरादा ये था कि यार हम मीरांजानी टॉप जाते हैं, ठीक है, वो एक अच्छी जगह है, उसमें थोड़ी ट्रैकिंग है लंबी, लेकिन मैंने सोचा कि यार वो एक्सप्लोर करते हैं वाइफ के साथ, अगर वाइफ में हिम्मत होती तो ज़्यादा ऊपर तक जाते, मतलब पूरे टॉप पे जाते। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब आज का दिन ही है हमारे पास ना यहाँ पे, तो कल सुबह तो हमने निकल जाना है कश्मीर के लिए, तो मुझे लग रहा है कि अगर आज ये ना हो पाया तो फिर मीरांजानी टॉप रह जाएगा। और अभी तकरीबन 3:15 बज रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की सूरत हाल है ना, तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखें थोड़ा आगे तक जाते फिर दोबारा अल्लाह मालिक है। भाई अब सीन कुछ इस तरह का है कि यार वहाँ काफ़ी देर वेट किया, इसके बाद फिर वो रास्ता अभी तक नहीं खोला इन लोगों ने, ठीक है ना। अब किसी तरीके से पता चला कि यार एक और रास्ता है शॉर्टकट से, आप जो है वो जा सकते हैं, तो लॉरेंस कॉलेज के पास से कोई घूम के जाता है रास्ता, तो अब मैं उसी तरफ निकला हूँ और देख रहे हैं अपनी लक आजमा रहे हैं कि मीरांजानी टॉप तो अब जो है ना जाना बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि अगर नथिया गली भी पहुंचते हैं तो शाम के 5 बज जाएंगे। इसके बाद हम 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग ऊपर अगर करके जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, विच इज़ नॉट सेफ इस मायनों में कि यार फैमिली के साथ अब कहाँ हम ऊपर जाएंगे जंगल की साइड पर और फिर अंधेरा हो जाएगा, तो आप लोगों को वो मंजर भी नहीं दिखा सकेंगे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा था ड्रोन शॉट्स वगैरह लेंगे तो आपको वो दिखाएंगे, तो अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह नथिया गली पहुंच गए, तो चले नथिया गली आपको दिखा दे। ना जंगल है बिल्कुल, मेरा तो दिल कर रहा है इस रास्ते को देख के कि यहाँ पे तो जो है ना एक हॉरर वेब सीरीज बनानी चाहिए। क्या बोलते हैं, कितने लोग वोट करते हैं कि भाई यहाँ पे हॉरर वेब सीरीज होनी चाहिए, तो फिर हम कुछ सोचते हैं इसका, सही है ना। क्योंकि ये एक बड़ी बड़ा जो है ना एक टीम वर्क होता है, बहुत बड़ा आसान नहीं होता कोई वेब सीरीज वगैरह बनाना, तो आप लोग बताएं ये रास्ता देखें और आप लोग बताएं कि इसके ऊपर कोई होनी चाहिए वेब सीरीज हॉरर सीरीज, तो फिर इंशाल्लाह कुछ प्लान करते हैं। ये देखें भाई रास्ते में मैं थोड़ा सा स्लो डाउन आपको दिखाने के लिए, कितनी ज़बरदस्त कलरफुल अम्ब्रेला, बच्चों के झूले यहाँ पे, और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी अम्ब्रेला है काफ़ी सारी, और इसके अलावा सामने देख रहे हैं आप शॉल हैं और चादरें हैं डिफरेंट, और किस अंदाज में लटकाया हुआ है ये आप देखें, मतलब एक इस सड़क का जो व्यू है बहुत खूबसूरत हो गया इसकी वजह से। कल की day 3 की एपिसोड के अंदर काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि यार ये आप जो कैंपिंग पॉट्स के अंदर रुके हैं इसका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, तो वो मैंने दिखाई थी वीडियो के अंदर, जब मैं अंदर जा रहा था तो लिखा हुआ था TDCP, ओके। तो TDCP जब आप लिख के गूगल मैप कर लेंगे, आप ये भी कर सकते हैं TDCP खजूत, सही है, KHAJUT, वो उस इलाके का नाम है।
तो TDCP खजूत लिख के आप उसको गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो इजीली आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हाँ भाई, क्या है ये? चेरी है भैया। चेरी है, कितने की है? 100 के 3 पैकेट है भैया। ये पत्ते में डाली हुई है? सर पत्ते में। वाह भाई, पत्ते में डाली। गाड़ी साइड में लगा रहा हूँ। मेहरबानी भाई, मेहरबानी, थैंक यू। देखें भाई किस तरीके से जो है ना खूबसूरती से ये पत्तों के अंदर, दरख के पत्तों में बनाई, और ये देखें माचिस की तीलियों से जो है ना इसको फसाया हुआ है। आह क्या खूबसूरती। बंदे को चेरी ना भी खानी हो ना तो भी बंदा ले लिए, क्योंकि इसका बनावट ही कुछ इस तरह की है। जरा टेस्ट करते हैं भाई चेरी कैसी है। ये आ गई चेरी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं नहीं ले रहा था, वाइफ ने बोला ले लो, बड़े मजे की है। और वाकई यार बहुत मजे की है, खट्टी खट्टी है, VIP है, बेहतरीन। अब तो कभी वो देखो सामने इतने सारे मंकी बैठे हुए, ओए मंकी का बेबी भी है, वाह यार। लेकिन ये बड़े नॉटी होते हैं मंकी, अगर आप इनको कुछ खिलाने पिलाने जाए ना, ये पूरा का पूरा समटाइम्स बैग भी लेके भाग जाते हैं। मैंने देखा था एक बार ऐसा सीन। पूछो कैसे हो आप, बोलो क्या कर रहे हो। ये देखे भाई बंदरों ने अटैक कर दिया। ये सही अटैक किया, भागे सारे ये बंदे। बड़ा भाई ये मंकी ने अटैक कर दिया। ये देखें ये जो है ना चप्पल छोड़ के जो है ना एक बंदा भाग गया। सारे भाग गए। ये देखें भाई प्यार देखें, आपके माँ अपने बच्चे को फीड करा रही है, और देखें कितना प्यारा एक जो है ना मंजर लग रहा है यार। देखें कैसे गोद में बिठाया हुआ है सारे, कोई भी जो है ना जानदार चीज हो, देखें कितना प्यार होता है माँ को अपने बच्चे के साथ। आहा क्या बात है। मैं सिर्फ स्पेशली रुका, रिवर्स किया मैंने, वाला मैं आपको दिखाऊं जरा भाई। नथिया गली हम फाइनली 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 पहुंच गए, ठीक है, काफी ड्राइव करने के बाद। और अब सीन ये है कि अब देखते हैं यहाँ पे कोई अच्छी जगह, कोई बैठने की जगह हमें मिलती है, कोई अच्छा रेस्टोरेंट जिसके रूफ टॉप पे हम बैठ सकें और व्यू थोड़ा एंजॉय कर सकें। और इसके बाद बस फिर हम अगर हुआ तो कुछ ड्रोन शॉट्स आपको दिखाएंगे, क्योंकि व्यू बहुत प्यारा है, ठीक है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको ड्रोन शॉट्स दिखा सकूँ यहाँ के। भाई एक जगह जो है ना हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए रुके हैं, ठीक है, व्यू चेक करें आप बस। ओए होए होए, नथिया गली का मंजर चेक करें। आह हा, किस हाइट पे हैं हम लोग इस वक्त, और ये देखें यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, क्या बात है। हाँ दोस्त, वैसे ये अंदर भी बैठने का सीन था, लेकिन हमने बोला जब यहाँ नजर आई ना जगह, ओए होए क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। पिन ड्रॉप साइलेंस है भाई, और हाइट, ओए होए होए, यहाँ से आप नीचे चेक करें। तो ये सीन है भाई नथिया गली का, हम यहाँ बैठते हैं आराम से। अब्दुल कभी वॉशरूम गया और वाइफ लेके गई है इसको बड़ी ड्राइव के बाद, और यहाँ हम बैठ के सनसेट इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये आ गया पीच फ्लेवर, सही है, इनके पास जो चिलर्स थे इसके अंदर जो है ना पीच फ्लेवर, ये एक मतलब जूस की एक काइंड है, सोडा टाइप का कुछ सीन होगा, लेकिन बड़ा डिफरेंट चीज़ है, नई चीज़ें मतलब ट्राई करते हैं। अच्छा, और ये जो है ना सोडा है, सही है, जिस तरह हम नॉर्मली लिमका सोडा पीते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इनहांस किया हुआ है, और इसका नाम है, इसका फ्लेवर का नाम है पैशन फ्रूट। अब नीचे से कलर डिफरेंट है इसका, ऊपर से डिफरेंट है, ये भी ट्राई करते हैं ज़रा। पहले जो है ना पैशन फ्रूट ट्राई करते हैं, वैसे एक वाइफ का है और एक मेरा है, लेकिन मैं दोनों ट्राई करूंगा। और पीछे सनसेट आपको नजर आ रहा होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। है तो बड़ा VIP भाई। अब तो कभी ये लो पीच पियो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये लो। कैसा है बताओ? गुड। अच्छा लगा आपको? अच्छा, ये लो और पीना है तो पी लो, बस ज़्यादा नहीं पियो, ठंडा है, आपका गला ख़राब होगा बेटा। ये पीच है, सही है, पीच ट्राई करते हैं। पीच अच्छा है, तो दोनों से अगर दोनों को कंपेयर करें तो पीच चिलर जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई अब वक्त हुआ चाहता है कुछ ड्रोन शॉट्स का। जो ये व्यू है ना वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा के जाऊँ एटलीस्ट, तो अब आप लोग इन्जॉय करें ड्रोन शॉट्स।
इस टाइम के ऊपर, ये जो मगरिब का टाइम हो रहा है ना, इसके अंदर सामने देखें कि कितने घने दरख्त हैं, कितना घना जंगल नजर आ रहा है। ओ हो क्या लुक आ रहा है भाई, माशाल्लाह। भाई अब हम आ गए हैं एक जगह पे और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। बहुत लंबी ड्राइव की, नथिया गली एक्सप्लोर किया, सारा कुछ किया, और वाइफ को हल्की फुल्की भूख है अभी, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत भूख है, और अब्दुल कभी पूरा रास्ता मुझे बोल रहा था पप्पा भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैंने बोला अब हम पिज़्ज़ा यहीं पर खा लेते हैं। ये आ गया भाई पिज़्ज़ा। ओए होए, इसमें अनियन मैंने लेस करवा दी थी, ठीक है, और ड्रिंक मैंने नहीं मंगवाई, साथ में पानी मंगवा लिया था। तो अब ज़रा ट्राई करते हैं गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। अब्दुल कबीर क्या आ गया आपके लिए खाने के लिए? पिज़्ज़ा। ये अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई ये पिज़्ज़ा पहलाने वाला। ओए होए, गर्मा गर्म गर्मा गर्म, बिल्कुल फ्रेश पिज़्ज़ा है, सही है ना? मोहम्मद अहमद के सायरन बज रहे हैं। भाई पिज़्ज़ा तो अच्छा है और थोड़ा सा जो है स्पाइसी भी है, तो अपने मतलब का है, ठीक है। तो अब इन्जॉय करते हैं ज़रा पिज़्ज़ा आराम से, और इसके बाद फिर जो है वो मुलाकात करते हैं। बच्चों ने तंग करना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। और ये भाई हम जैसे ही अभी यहाँ पे होटल पे आए तो हॉर्स वाला खड़ा हुआ था, मैंने बोला अब्दुल कबीर की राइड कराते हैं। तो कभी हॉर्स चला रहे हो? वाह भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भाई अब्दुल कबीर की राइड हो गई कंप्लीट, हॉर्स राइड। अब्दुल कबीर मज़ा आया? आया मज़ा। वाह भाई वाह भाई, क्या मंजर है। तो भाई सीन ये है कि घर वाले तो आते के साथ ही सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, और मैंने बस अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी है, और अभी मैं ये आखिरी क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन के अंदर आज के BTS को एंड करने के लिए। इसके बाद अभी लैपटॉप खोल के बैठूंगा, इसको एडिट करूँगा। आज को ड्रोन के शॉट्स भी लिए थे तो वो भी आपको दिखाने, तो वो भी एडिट करके एक साथ करके कोशिश करूँगा आज रात को अपलोड करके, या कल सुबह अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोगों को टाइम पर ही देखने को मिले ब्लॉग, ठीक है। कल का सीन ये है कि भाई कल हम कश्मीर के लिए निकल रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि कल अब्बू भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बू की फ़्लाइट है कराची से इस्लामाबाद कल सुबह, तो उनको एयरपोर्ट से लेना है, और इसके बाद फिर कश्मीर के लिए निकल जाना है। तो कश्मीर की खूबसूरत वादियों के अंदर भी आपको हम घुमाएंगे अपने साथ, सो स्टे ट्यून्ड। और कश्मीर में एक मसला होता है, दुआ कीजिए कि वो ना हो, वहाँ पे हमारी सिम के सिग्नल्स नहीं आते, ठीक है। वहाँ की नेटवर्क सिम अलग है, एसकॉम की सिम चलती है वहाँ पर, तो हम वो ले लेंगे सिम। लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर वहाँ पर चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे का पावर आउटेज का इशू रहता है, जिसकी वजह से सिम के सिग्नल चले जाते हैं। तो अगर मेरी तो कोशिश यही है, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरे पास सिग्नल्स रहें उस सिम के अंदर, एसकॉम की जो मैं सिम लूंगा, ताकि मैं डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को व्लॉग वहां से अपलोड कर सकूं, क्योंकि मैंने वहां पे एक या दो दिन तो रहना है एटलीस्ट, सही है ना। इन केस अगर व्लॉग ना आए, आप समझ जाइएगा कि मैं पावर आउटेज का शिकार हो चुका हूं, सही है ना। वैसे इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि वहां पे सिग्नल होंगे, तो मैं आपको इसी तरह अप टू डेट रखूंगा। मेरा भी दिल करता है कि जितना आप लोग देखना चाहते हैं, और मैं अक्सर आप लोगों के कॉमेंट देख रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा लगता है, आप लोग एक्सप्रेस कर रहे थे कि यार ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग भी मेरे साथ इस सफर के अंदर साथ घूम रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर, नई वीडियो के अंदर, नई एपिसोड के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।